नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आज हम आपको बताएंगे कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है और इस राशि परिवर्तन का पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसमें देश की राजनीतिक स्थिति क्या होगी, आर्थिक स्थिति क्या होगी, देश का विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान होगा और धन सोने की स्थिति क्या होगी, चांदी की स्थिति क्या होगी, शेयर का क्या रेट होगा, इस सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले अब आपको बता दें कि जब भी बृहस्पति का परिवर्तन होता है तो आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि बृहस्पति एक राशि पर एक वर्ष रहता है तो मेजर परिवर्तन कराता है और जहाँ बैठता स्थान की तो हानि करता है, लेकिन इसकी दृष्टि बड़ी अच्छी मानते हैं। इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5, 7, 9। और धनु राशि में बृहस्पति स्वगृही का होता और मीन राशि, धनु और मीन दो इनकी राशियां हैं जिसमें देव गुरु बृहस्पति ये स्वगृही के माने जाते हैं और वहीं जो कर्क राशि है वह उस पर ये उच्च के माने जाते हैं और कहते हैं कि मकर राशि पर ये परम नीच के माने जाते हैं। इनकी दृष्टि अमृत की तरफ फल देती है तो जहाँ बैठते हैं वहाँ ये प्रभाव बड़ा जबरदस्त दिखाते हैं और जहाँ देखते हैं उसका भी प्रभाव बड़ा अच्छा होता है। लेकिन ये कहते हैं बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि केंद्र में भी इनका बहुत बढ़िया फल होता है, त्रिकोण में बहुत अच्छे फल देते हैं और इनकी दृष्टि बहुत अच्छी मानी जाती है और ये कहते हैं कि जिस स्थान पर बैठता बृहस्पति उस स्थान की ये हानि करते हैं। तभी ये धनु राशि से मकर राशि में आ गए तो मकर राशि ये शनि का घर है तो शनि के घर होने के नाते बृहस्पति के एक तो देशकाल परिस्थिति में आध्यात्मिक विकास होगा और ये अध्यात्म का कारक भी मानते हैं, चूँकि शनि को भी आध्यात्मिक कारक मानते हैं और बृहस्पति को भी अध्यात्म का कारक मानते हैं। तो यह वर्ष पूरा धार्मिक कार्यों के लिए, अनुष्ठान के लिए और मंत्रों के लिए और ये तमाम ऐसे कार्य हैं जो धार्मिक कार्य, उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं। सोने के रेट में वृद्धि होगी, चांदी की भी रेट में वृद्धि होगी, शेयर के रेट में घटोत्तरी हो सकती है, क्रूड ऑयल का भी रेट घटेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का महत्व बढ़ेगा, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, भारत की बहुत ही अहम भूमिका होगी। भारत विश्व गुरु की तरफ अग्रसर होने की भी संभावना बन रही है, भारत पूरे विश्व को लीड करने कर सकता है, इस तरह की संभावना बन रही है। आर्थिक पक्ष बहुत सशक्त होगा और देखा जाए तो क्रूड ऑयल का रेट घटेगा, शेयर का रेट घटेगा, रियल इस्टेट में थोड़ा सा बूम आ सकता है लेकिन अन्य चीज़ों में काफ़ी अच्छा रहेगा। देश काल परिस्थिति बहुत ऐसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी जबरदस्त उथल पुथल राजनीति के क्षेत्र में होगा। प्राकृतिक घटनाएं बहुत सारी घट सकती हैं, इसकी संभावनाएं बढ़ रही हैं, आपदा भी बढ़ेगा और देखा जाए तो जैसे भूस्खलन है, रेल दुर्घटनाएँ हैं, सामुद्रिक दुर्घटनाएँ हैं, ये सब चीज़ों की होने की संभावना बनेगी और इसमें राजसत्ता से लोगों को लाभ मिलेगा, काफ़ी परिवर्तन होने की भी संभावना बन रही है। विज्ञान के क्षेत्र में भारत बहुत बड़ा कार्य करेगा। राजनीति में काफ़ी उथल पुथल हो सकता है, काफ़ी परिवर्तन होने की भी संभावना बन रही है। जो छोटे दल हैं उनका वर्चस्व बढ़ेगा, प्रभुत्व बढ़ेगा और बड़े दल हैं उनके थोड़ा सा वर्चस्व में कमी आने की भी संभावना दिख रही है। मौद्रिक स्थिति पर भारत का बहुत अच्छा हिसाब किताब रहेगा। भारत चाहे विज्ञान हो, राजनीति हो, सामाजिक हो, चाहे कोई भी कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र हो, चाहे कोई बड़ा कार्य हो, उसमें भारत की भूमिका बड़ी ही अग्रणी होगी। भारत की जो डिप्लोमेसी होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। भारत अपने पड़ोसी देशों से रिश्ता अच्छा बनाने की भी कोशिश करेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का बड़ा महत्व बढ़ेगा। देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति की इसमें प्रतिकूल हो सकता है, इनके लिए हेल्थ वगैरह को लेकर के अलर्ट भी रहने की संभावना है और भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, भारत की सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी होगी और बहुत सारे ऐसे कार्य होंगे जो बहुत दिन से चिर प्रतीक्षित है और भारत कई ऐसे नियम में अमेंडमेंट कर सकता है जिसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं। शनि चूँकि कानून का भी कारक होता है तो ये कानून तो बृहस्पति उसके घर में बैठा है तो बहुत ऐसे महत्वपूर्ण कार्य होंगे जो बहुत दिनों से चिर प्रतीक्षित है। तो ये रहा आपका बृहस्पति की भूमिका। अब हम आपको बताएंगे कि जो बृहस्पति है अगर ये 12 भाव में है मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले जातकों के लिए उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके भी बारे में हम आपको बताएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आइए हम बात करते हैं जो मेष राशि वाले जातक हैं
तो मेष राशि वाले जातक से इनका दसवें भाव में बैठेगा। तो दसवें भाव में बैठ करके बृहस्पति जब दसवें भाव में बैठेगा तो व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में विस्तार होगा, आपकी नौकरी लग सकती है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, माता पिता से आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। और ये पंचम भाव को देख रहा है, तो पंचम भाव को देखने का मतलब कि एक तो आपकी संतान अच्छी होगी, संततियां आपकी अच्छी होंगी और संतान के अच्छे होने से आपके लिए काफ़ी माफ़ करिएगा, बृहस्पति जब बैठेगा दसम भाव में तो उसकी पांचवी दृष्टि धन भाव पर होगी। तो धन भाव कहते हैं एक्स्ट्रा करकुलर का भाव होता है, एक्स्ट्रा एक तो आपके एक्स्ट्रा करकुलर से धन मिलेगा, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, स्किल से धन मिलेगा और माली हालत आपकी बहुत अच्छी होगी। यदि आप लालित्य कला के क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो उस क्षेत्र में आपका विस्तार होगा, कहानी लिख सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं, अगर फिल्मकार हैं तो आपकी फिल्म में अच्छी आपकी फिल्म में हिट हो सकती हैं। और ये सातवीं दृष्टि सुख भाव को देख रहा है, तो आपके माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, सुख सुविधा में वृद्धि होगी, वाहन खरीद सकते हैं, गाड़ी तादवी खरीदने की संभावना बन रही है। वहीं इसकी नवी दृष्टि शत्रु भाव को देख रहा है, तो जब शत्रु भाव को देखता आपके शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होगी, हिडन शत्रु बढ़ेंगे, कॉन्स्पिरेटर बढ़ेंगे, लेकिन आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। मिला जुला करके अगर देखा जाए तो बृहस्पति आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। वहीं अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि वाले जातकों के लिए। तो जो वृष राशि के जातक है उनके लिए यह समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो लग्न में एक तो ये क्या करता है कि नौवें भाव में आ गया, तो नौवें भाव में बैठ करके इसकी पांचवी दृष्टि लग्न को देखेगा। तो जब एक तो भाग्य स्थान में आ गया तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगा, नौकरी लगेगी, नए तरह के कार्य कर सकते हैं और आपके हेल्थ वेल्थ में वृद्धि होगी। अगर कोई भी नया पाइपलाइन में कार्य है तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने की भी संभावना दिख रही है। वही ये लग्न को देख रहा है, पांचवी दृष्टि लग्न पर है। तो जब पांचवी दृष्टि लग्न पर तो व्यक्ति की इक्विलिब्रियम बड़ी अच्छी होती है, आपका आत्मबल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप जो भी प्लान करेंगे उसमें आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है और आपकी महत्वाकांक्षाएं कार्य रूप में परिणत हो सकती है। तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव को देख रहा है, तो आप अपने पराक्रम से, अपने भुजबल से, अपने मेहनत के बल से आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं जो अभी तक चीर प्रतीक्षित है। और उसकी वही नवी दृष्टि संतान भाव को देख रहा है, पंचम भाव को देख रहा है। तो पंचम भाव एक तरीके से कहते हैं कि संतान भाव है, प्रारब्ध है, विद्या का है। तो इसमें एक तो आपकी विद्या बुद्धि में वृद्धि होगी, संतान सुख मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति अविवाहित है तो उनका विवाह हो सकता है, जिनको संतान नहीं उनको संतान होने की भी संभावना बन रही है। और अगर देखा जाए तो क्वालिफिकेशन के लिए बढ़िया, एकेडमिक आपके लिए बहुत अच्छा है, इसमें आप बड़ा कार्य कर सकते हैं, इसकी संभावना भी बन रही है। वहीं देखा जाए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह समय कालखंड बहुत अच्छा है। एक तो उनके मिथुन राशि वाले के राशि से ये आठवें अष्टम भाव में बैठ गया, तो अष्टम भाव में बैठने का मतलब है कि कहते हैं कि स्थान करो तो जीवा हानि, जहाँ बृहस्पति बैठता है स्थान की हानि करता है। अष्टम भाव में बैठ के एक तो आपकी उम्र को बढ़ाएगा और मृत्यु की हानि मतलब आपके जीवन को बढ़ाएगा, सुख सुविधा में वृद्धि करेगा, धन की स्थिति बहुत अच्छा करेगा। अगर आप किताब लिखना चाहते हैं, कहानी लिखना चाहते हैं तो उसमें एक अच्छे लेखक हो सकते हैं, एक अच्छा कहानीकार हो सकते हैं, आप बहुत बड़ा कार्य इसमें कर सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। वहीं ये धन भाव को भी देख रहा है, तो धन भाव को देखने का मतलब ये होता है कि आपकी माली हालत बहुत अच्छी होगी, सशक्त होगी, आपकी धन की स्थिति बहुत सशक्त होगी, जो भी कार्य करेंगे इसमें आपको काफ़ी बड़े पैमाने पर फायदा मिलते हुए दिख रहा है। और वहीं देखा जाए तो सुख भाव पर नौवीं दृष्टि है, तो सुख भाव में एक तो माता पिता का सुख मिलेगा, जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, गाड़ी इत्यादि खरीद सकते हैं, उसकी भी संभावना बन रही है। आप नए तरीके के रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आपको फायदा मिलेगा, माता का सुख मिलेगा, गाड़ी खरीद सकते हैं और नौकरी इत्यादि का भी सुख मिलेगा, तो आपका जीवन काफ़ी मेटेलिस्टिक लेवल पर अच्छा रहेगा और आध्यात्मिक विकास होने की भी संभावना बन रही है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की, तो जो कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए यह कालखंड बड़ा अच्छा है। एक तो जो कर्क राशि वाले जातक हैं आपके राशि से सातवें भाव में बैठा हुआ है, तो सातवां भाव कहते हैं कि पत्नी का सुख मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अगर आपकी धर्मपत्नी की हेल्थ में कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो हेल्थ में सुधार होगा, इम्प्रूवमेंट होने की भी संभावना बन रही है। अगर पारिवारिक कोई विवाद चल रहा है तो उसको सॉल्व होने की भी संभावना बन रही है। और सप्तम भाव में पत्नी भाव में होने से कहते हैं कि स्थान कुरुत जीवा हानि, तो कई बार क्या होता है कि पत्नी से वैचारिक मतभेद रहेगा, हेल्थ वेल्थ को लेकर के जो आपकी चिंता है वो समाप्त होगी और माली हालत आपकी अच्छी होगी और जो भी प्लान करेंगे, योजनाएं बनाएंगे उसमें आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। वहीं सप्तम भाव में बैठ करके
ये 11वें भाव को, पांचवी दृष्टि 11वें भाव पर है। तो एक तो आपके इनकम का जरिया बढ़ेगा, शिक्षा के क्षेत्र से धन मिलेगा, यदि आप कहीं नौकरी के लिए एफर्ट कर रहे हैं तो नौकरी में आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। और इनकम का जरिया, आय का स्रोत, शिक्षा के क्षेत्र से धन, नौकरी, नौकरी में स्थानांतरण और आपकी प्रमोशन भी हो सकता है, और आपका असाइनमेंट चेंज हो सकता है जो आपके लिए बड़ा ही बेहतर होगा। एकेडमिक कोई बड़ा कार्य भी कर सकते हैं, इसकी भी संभावना बन रही है। वहीं देखा जाए तो लग्न को भी देख रहा है, तो लग्न को देखने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, चाहे सम परिस्थिति हो चाहे विषम परिस्थिति हो, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में आप एक समान रहने की कोशिश करेंगे, विकट से विकट समस्याएं आएंगी उसको आप अपने सूझबूझ से सुलझा लेने में सफल रहेंगे। तो देखा जाए तो स्थिति आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं आपके पराक्रम भाव को भी देख रहा है, तो अपने पराक्रम से बहुत सारे कार्य जो रुका हुआ है, जो पाइपलाइन में, सब संपन्न कर लेंगे। भाग्य आपके अनुकूल है और भाग्य से सारे कार्य अच्छे होंगे, स्थितियां आपके अनुकूल होगी, पारिवारिक दायित्व पूरा करने में सफल रहेंगे, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान आपके लिए बड़ी ही बेहतर स्थिति में रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो जो सिंह राशि वाले जातक हैं उनकी राशि से यह पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो पंचम भाव कहते हैं कि संतान का भाव होता है, विद्या बुद्धि का भाव होता है, प्रारब्ध का भाव होता है। तो आपकी संतानें बड़ी अच्छी होंगी, प्रारब्ध से आपके सारे कार्य अच्छे होंगे, मान सम्मान मिलेगा, अतिंद्रिय ज्ञान बढ़ेगा और बहुत सारे कार्यों के होने की भी संभावना बन रही है। और थोड़ा सा संतान को लेकर के मन में चिंता जो चली आ रही है वो चिंता आपकी समाप्त होगी। तो संतान की नौकरी है, पद है, प्रतिष्ठा है, नए तरह के कार्य है, नए तरह के व्यापार है, उससे आपको लाभ मिलते हुए दिख रहा है। वहीं जो आपका ये इसकी जो दृष्टि है वह दसवें भाव पर है। तो दसवें भाव पर दृष्टि होने से एक तो आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, कार्यों से लाभ और धन भाव पर भी दृष्टि है। तो धन की स्थिति बड़ी अच्छी होगी, एक्स्ट्रा करिकुलर से धन मिलेगा। यदि आप कोई लिखना चाहते हैं कहानी किताब तो उसमें आप लिख सकते हैं, मीडिया के लिए भी बड़ा अच्छा है। तो देखा जाए तो आपके लिए यह समय काफ़ी अच्छा जाएगा, यह जो बृहस्पति का राज परिवर्तन है आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। वहीं देखा जाए तो कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए उनकी राशि से यह आ जाएगा पांचवें आ जाएगा। तो पांचवें भाव बैठने से एक तो आपकी संतानें बड़ी अच्छी होंगी, प्रारब्ध से आपका सारा कार्य अच्छा होगा, अतिंद्रिय ज्ञान बढ़ेगा और ढेर सारे कार्य एक साथ होने से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। पंचम भाव में कहते हैं कि बृहस्पति का होना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो पंचम भाव का बृहस्पति जब हो जाता है, पंचम भाव में बैठता है, तो आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, संतानें अच्छी होती हैं, हाई एकेडमिक आपके लिए बड़ा अच्छा होता है। अगर एकेडमिक कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है। जब नौकरी वगैरह के क्षेत्र में आपको एफर्ट कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बड़ी सफलता मिलेगी। तो देखा जाए तो यह कालखंड आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। वही पंचम भाव में बैठ करके इसकी पांचवी दृष्टि नवम भाव पर होगी, तो आपके भाग्य से सारे कार्य संपन्न होंगे, भाग्य आपके अनुकूल होगा। अगर कोई भी एफर्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी और देश विदेश की यात्रा का भी योग बन रहा है। वहीं सातवीं दृष्टि एकादश भाव पर है। तो एकादश भाव पर इसकी दृष्टि होने से एक तो आपके इनकम का जरिया बढ़ेगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे, रुका हुआ धन मिलेगा, जो भी आपकी परेशानियां चली आ रही सब परेशानियां आपकी खत्म होगी। यह पूरा बृहस्पति का राज परिवर्तन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वही पंचम में बैठ करके इसकी नवम दृष्टि लग्न पर है। तो लग्न में होने से एक तो आपकी जो भी महत्वाकांक्षाएं, जो आपने प्लान कर रखा है, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और किसी परिस्थिति में आपके हौसले बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से सूझबूझ से काम करने की आपकी क्षमता में वृद्धि होगी। तो देखा जाए तो यह कालखंड, यह राशि परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि की। तो जो तुला राशि वाले जातक हैं उनके लिए कैसा रहेगा, जो मकर राशि में बृहस्पति है उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आइए हम आपको बताते हैं। तो जो चौथा भाव होता है आपके चौथे भाव में आ गया था। चौथे भाव माता का भाव है, सुख भाव है, गाड़ी घोड़े का भाव है, नौकरी इत्यादि का भाव है। तो आपके सुख सुविधा में वृद्धि होगी, समृद्धि होगी और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। माता का सुख मिलेगा, नए तरह के कार्य कर सकते हैं, ढेर सारे कार्यों को होने की भी संभावना बन रही है। वाहन खरीद सकते हैं, जमीन इत्यादि में खरीद सकते हैं। अगर रियल इस्टेट में कोई पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा संभल के करें, नहीं तो उसमें आपको नुकसान भी होने की संभावना बन रही है। कहते हैं कि स्थान कृत जीवाने, जहाँ बृहस्पति बैठता है स्थान की हानि करता है। तो नए तरह के व्यवसाय को रोकना है, जो पुराना व्यवसाय है उसी को आगे बढ़ाना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरा, ये इनकी जो दृष्टि आठवें भाव पर है, आठवें भाव पर होने से एक तो आपके हेल्थ में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी होगी, देश विदेश की यात्रा होगी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं, एकेडमिक आपको काफ़ी लाभ मिलने की भी संभावना दिख रही है।
वहीं देखा जाए तो आपके कर्म भाव को भी देखना, नवी दृष्टि कर्म भाव पर है। आपके पिता से लाभ मिलेगा, पिता का सुख मिलेगा। अगर पिता के हेल्थ में कोई दिक्कत है तो हेल्थ में उत्तरोत्तर सुधार होगा। माली हालत आपकी सशक्त होगी और सरकारी धन सरकारी सरकार से लाभ मिलेगा और आपकी अगर सरकार से या सरकारी कोई परेशानी है तो वह दूर होगी और आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रहा है। वहीं देखा जाए तो व्यय भाव पर भी इसकी दृष्टि है, नवी दृष्टि है व्यय भाव पर है तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, आपके इनकम का जरिया थोड़ा कम होगा, व्यय ज़्यादा होगा तो आय और व्यय पर सामंजस्य स्थापित करना आपके लिए बेहतर होगा। तो इधर आपका आध्यात्मिक भी विकास भी होने की संभावना बन रही है। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं उनकी राशि से थर्ड भाव में आ गया, तीसरे भाव में। तीसरा भाव कहते हैं कि पराक्रम का भाव है, सहज भाव है, भाई का भाव है। एक तो आपके भाई का सुख मिलेगा, अगर आपका भाई कोई अविवाहित है या बहन अविवाहित है तो परिवार में शुभ कार्य होने की भी संभावना बन रही है। पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने में सफल रहेंगे, आप अपने कुल को अलंकृत करने वाले होंगे, परिवार को आगे बढ़ाने में आपकी बड़ी ही अहम भूमिका होगी। वहीं तीसरे भाव में बैठ करके इसकी जो पांचवी दृष्टि है वो सीधे सातवें भाव पर है, तो आपकी पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, माली हालत अच्छी होगी और पत्नी के लिए आपके लिए समय बहुत अच्छा है। वहीं नवीं दृष्टि सातवीं दृष्टि देखा जाए तो नवम भाव पर है, तो आपके भाग्य से सारे कार्य संपन्न होंगे, आपके भाग्य अनुकूल होगा। अगर आपने कहीं नौकरी के लिए कोई एफर्ट किया तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी, माता पिता का सुख मिलेगा, धन की स्थिति अच्छी होगी, आपके कैरियर में आपके अकेडमिक विकास और आध्यात्मिक विकास दोनों भी होने की संभावना दिख रही है। तो देखा जाता है कालखंड आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहीं नवी दृष्टि देखा जाते आय भाव को देख रहा है, तो आपके इनकम का जरिया बढ़ेगा, रुका हुआ कार्य संपन्न होगा और कई ऐसे कार्य होंगे जो बहुत दिनों से चिर प्रतीक्षित है और आपके पाइपलाइन में जो भी कार्य रुके हुए होगा और धार्मिक कार्य है, कई चीज़ें हैं जो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो सब होने की भी संभावना दिख रही है। अब आइए हम बात करते हैं आपके धनु राशि की। तो जो धनु राशि के जातक हैं उनकी राशि से यह दूसरे भाव बैठा है। दूसरा भाव कहते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर का भाव है, तो आपको एकेडमिक लाभ मिलेगा, लालित्य कला से धन मिलेगा, अगर आप लेखन कार्य करते हैं तो आपको बड़ी अच्छा रहेगा, आपके लिए धन की स्थिति सशक्त होगी, मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की भी संभावना अधिक। थोड़ा आँख से संबंधित परेशानी हो सकती है तो अपने आँख पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। वहीं अगर देखा जाए तो इसकी जो पांचवी दृष्टि है वो छठे भाव पर, तो आपके रोग और शत्रु में वृद्धि होगी, आपके विरोधी काफ़ी सक्रिय होंगे, लेकिन उससे चिंता करने की बात नहीं कि आप विरोधियों पर भी प्रभावी रहेंगे और जब भी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो आपके हौसले काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो मान पद प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि की भी संभावना दिख रही है। वहीं अगर देखा जाए तो आपके भाग्य स्थान आपके जो इसके पांचवी दृष्टि मृत्यु भाव को देख रहा है, तो आपकी हेल्थ में वेल्थ में सुधार होगा, मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आपके कर्म क्षेत्र में विस्तार होगा, पिता का सुख मिलेगा, नए तरह की नौकरी भी मिलने की संभावना बन रही है। तो देखा जाए तो आपके लिए यह कालखंड बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको क्या करना है कि गौशाला में जाके गाय को अगर दाल भरी पूड़ी खिलाते हैं तो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम तीन राशियों के बारे में, मकर कुंभ मीन के बारे में आपको बताएंगे कि इनका कैसा रहेगा। तो जो मकर राशि वाले जातक हैं उनके तो लग्न में ही आ गया, तो एक तो मकर राशि और दूसरे में आपका ये बृहस्पति आ गया, तो कहते हैं स्थान कुरुति जीव हानि, एक तो जहाँ बैठता वो निगेटिव, दूसरा नीच का है वो निगेटिव, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो गया और साथ ही में चंद्रमा भी बैठा है तो आपका गज केसरी योग बन गया। तो मकर राशि में यह राशि परिवर्तन बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। एक तो आपके हौसले बुलंद होंगे, आपकी माली हालत अच्छी होगी, जो भी आपने प्रयास कर रखा है उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी और आपकी सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा। इस प्रकार का युति योग बड़ा 12 वर्षों बाद मिलता है तो आपके लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट। आपके हौसले बुलंद होंगे, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हौसले आपके बड़े बुलंद होंगे और नए तरीके के कार्य कर सकते हैं, जो भी महत्वाकांक्षाएं जो प्लान किए हैं उसको सबको सफल होने का टाइम आ गया है, तो यह कालखंड आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वहीं पाँचवीं दृष्टि देख रहा है पंचम भाव को, तो जब पाँचवीं दृष्टि पंचम भाव को देखे तो व्यक्ति के जो संतानें होती अच्छी होती है, एकेडमिक आपके लिए बड़ा अच्छा होगा, अगर आप कोई करियर टेक्निकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा अच्छा है, तो संतान सुख
विवाह भी होने की संभावना बन रही है। दाम्पत्य जीवन आपके सातवें भाव को भी देख रहा है, आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, माली हालत आपकी बहुत अच्छी होगी और कई कार्य एक साथ करने से आपकी पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि की संभावना दिख रही है। वहीं नवी दृष्टि भाग्य स्थान को भी देख रहा है, आपके भाग्य से सारे कार्य संपन्न होंगे, भाग्य आपके अनुकूल है और बहुत सारे कार्य एक साथ होने से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। तो देखा जाए तो मकर राशि वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वाले जातक के लिए यह राशि के 12वें बैठ गया। 12वां भाव कहते हैं कि खर्च का भाव है, व्यय भाव है। तो कहते हैं कि स्थान करोति जीव हानि, जहाँ बृहस्पति बैठता है स्थान की हानि करता है। 12वां भाव मतलब होता है व्यय का हानि मतलब लाभ। तो आपके लिए लाभ का समय है, जो भी करेंगे उसमें आपको बड़े पैमाने में लाभ मिलेगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई बड़ा कार्य करना चाहते हो तो उससे आपको लाभ मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका व्यापार बढ़ेगा, कार्यों से लाभ मिलने की भी संभावना दिख रही है। दूसरी बात ये कि ये पांचवी दृष्टि इसकी बैठ सुख भाव पर है, तो आपके माता पिता का सुख मिलेगा, नौकर का सुख मिलेगा, गाड़ी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, नए प्रकार का कोई प्लान कर रहे हैं तो वाहन इत्यादि खरीदने की संभावना बन रही, उसके लिए भी यह कालखंड आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप आ जाइए आपके जो छठी भाव मतलब जो नवीं भाव है शत्रु भाव को देख रहा है, तो आपके रोग और शत्रु में वृद्धि होगी, खटेंत्रकारी बढ़ेंगे, हिडन शत्रुओं की संख्या भी बढ़ने की संभावना बन रही है। वहीं आपके ये मृत्यु भाव को भी देख रहा है नौ भाव, तो आपके अपने हेल्थ पर ध्यान रखने की जरूरत है और हेल्थ वेल्थ में वृद्धि होगी, मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की संभावना दिख रही है, घर गाड़ी इत्यादि खरीद सकते, उसका प्रबल योग बन रहा है। अब आइए हम बात करते हैं ये मीन राशि की, अंतिम राशि है मीन राशि। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए यह कालखंड बहुत अच्छा है। एक तो आपके आपके लग्न से 11वें बैठ गया, तो 11वां भाव कहते हैं कि इनकम का जरिया होता है, तब 11वें भाव में अगर कोई बृहस्पति तो सीधे उसकी सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर होती है, तो संतान सुख मिलेगा, पद प्रतिष्ठा वृद्धि होगा, आदमी अच्छा करता है। और 11वें भाव में आपकी इनकम के जरिया बढ़ेगा, शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप कोई नया स्कूल खोलना चाहते हैं, कॉलेज खोलना चाहते हैं, इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए बड़ा बेहतर टाइम, आपको बड़ी सफलता मिल सकती है, इस तरह की संभावना दिख रही है। वहीं आपके पराक्रम भाव को देख रहा है, तो आपके पद प्रतिष्ठा पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई परिवार, भाई के लिए परिवार के लिए अच्छा, परिवार में शुभ कार्य होगा, भाई के सहयोग भी करेंगे। और आपके पंचम भाव को भी देख रहा है, तो संतान सुख मिलेगा, संततियां बड़ी अच्छी होंगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की भी संभावना दिख रही है। वहीं नवी दृष्टि पत्नी भाव पर है, तब पत्नी की हेल्थ में सुधार होगा, पत्नी से थोड़ा वैचारिक मतभेद रहेगा, छोटी छोटी बात को लेकर के आपस में आप लोगों के तनाव रहते हैं, तो उससे बचने की संभावना है। और जो भी अगर आप इधर एफर्ट कर रहे हैं, प्रयास करते हैं, सोच समझ के करें, पूंजी भी जो निवेश करते हैं, अज्ञात व्यक्ति से कोई डील ना करें तो उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। तो देखा जाए तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि के बारे में हमने बताया कि यह जो राशि परिवर्तन हो रहा है, इन 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हमने विस्तार से बताया, एक दो राशियों का हमने उपाय भी बताया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बृहस्पति मकर राशि में आया है, इसके लिए आपको क्या करना है कि प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन गौशाला में अगर गाय को दाल भरी पूड़ी खिलाते हैं या चने की दाल मंदिर में दान करते हैं, यह पूरा वर्ष पर्यंत सभी राशि वालों के लिए एक टिप्स है, जिसको करने से आपकी स्थिति में सुधार आएगा। गायत्री उपासना करें, अपने गुरु माता का आशीर्वाद लें, गुरु जी का आशीर्वाद लें, बड़ों का सम्मान करें, आपके लिए ये बड़ा अच्छा रहेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि मेष राशि से लेकर मीन राशि जातकों के लिए कैसा रहेगा यह वर्ष, इसके बारे में विस्तार से बताया। नमस्कार, अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।